नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सरकारी कर्मचारियों को साल 2000 से पहले रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती थी, जो सरकारी कर्मचारियों को भुगतान के हिसाब से दी जाती थी, और कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को भी पेंशन की सुविधाएं दी जाती थी, जिसे हम पुरानी पेंशन स्कीम या फिर पुरानी पेंशन योजना कहते थे। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि ये पुरानी पेंशन की क्या अपडेट है और किन लोगों को मिलने वाली है और सरकार की नई गाइडलाइन क्या जारी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है भीमा चित्रा, स्वागत करता हूं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। अगर किसी भी कर्मचारी या फिर किसी की सरकारी सैलरी 20,000 है या फिर उससे आधी है यानी कि 10,000 है तो पेंशन राशि के रूप में दिया जाता था, लेकिन पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में राशि दी जाती थी। और ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत अगर सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसकी दैवीय दुर्घटना या फिर किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसके परिवार को पेंशन की राशि दी जाती थी। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में उनके वेतन में 50% प्रदान किया जाता था। पुरानी पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी की सैलरी नहीं काटी जाती थी। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी भी दी जाती थी। और आरबीआई का मानना है कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाता है तो ये पीछे नहीं जाएगा, बल्कि पीछे की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में आरबीआई ने कहा, अगर ये योजना लागू की जाती है तो राज्य की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होगी, जिससे विकास कार्यों में बाधा आएगा। आप समझ सकते हैं कि एक जो नेता होता है, जिसको हम राज सेवक कहते हैं, प्रजा सेवक कहते हैं, वो अगर एक दिन सेवा प्रदान करता है, सेवा क्या प्रदान करता है, शपथ ग्रहण करता है, तो वो पूरी लाइफ हर सुविधाओं के लिए बाध्य हो जाता है और साथ में उसके परिवार के लोग भी लाभ लेते हैं। लेकिन वहीं पर एक कर्मचारी वर्ग जो पूरा जीवन अपना 60 से 65 वर्ष जो भी जिसकी होती होगी सेवा की, वो सेवा करता है और उसके बाद एक उसकी उम्मीद होती है पुरानी पेंशन, वो पुरानी पेंशन भी यहाँ पर बंद की जा रही है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, भारत के कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है, और आप भी चाहते हैं कि आपका भी ये पुरानी पेंशन योजना लागू हो तो उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, एकजुट रहने की ज़रूरत है। और साथ में आपको बता दें, अगर आप डटे हैं, अगर आप मेहनत से लगे हैं और आप जो इस समय पुरानी अपडेट को लेकर नई नई इस समय योजनाएं चलाई जा रही हैं या फिर कह सकते हैं एकता आप लोगों की बढ़ाई जा रही है, उस योग्यता में अगर आप लोग जागरूक हैं, साथ दे रहे हैं और इस चुनावी माहौल में अगर आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तो आपका जो भी है वो वादा पूरा ज़रूर होगा। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि आप कितनी ज़्यादा मजबूती से आप अपने हक के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा जो भी सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट के माध्यम से खबरें आती हैं उसको आप सभी तक पहुँचाई जाती है और उस पर आपके जो ओपिनियन होते हैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाई जाती है। तो फिलहाल अभी तक की जो अपडेट है, उत्तर प्रदेश में सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन सामने आपको पता है कि चुनाव है और इस चुनाव में अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो अगर आप इसका सही से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको अपना एकता, अपना जो भी है संघ का साथ देना होगा और बढ़ चढ़ के अपनी मांगों को ऊपर रखना होगा। फिलहाल हमारे द्वारा यहाँ पर जो भी प्रयास है वो पूरा किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहे तो आप चैनल का सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें और अपनी कमेंट यहां पर ज़रूर दर्ज करें। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही था, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।